मैं आपको बता रहा हूँ, सैटरडे होते होते आप सब लोग वापस बैक टू नॉर्मल हो जाओगे और आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे, है कि नहीं? पिछले एक वीक में तो हो ही चुके हो काफी कुछ, माइंड जो है एक अलग डायरेक्शन में चलने लगा है, हमें अपने बारे में सोचने का और रीथिंक करने का मौका मिल रहा है। कल हमने जो पॉइंट स्टार्ट किया था वो था, ओके वेरी गुड, सभी लोग क्लासेस ज्वाइन कर लें, उत्कर्ष, धनश्री, गुड मॉर्निंग, बाकी लोग भी ज्वाइन करें। तो आज मैं भी कंट्रोलिंग में लास्ट कर दूंगा, हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग के जो कोर कंसेप्ट थे वो बेसिकली हमने कल फिनिश अप कर लिए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो वी वेर ऑन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में हमने स्टेप्स पढ़ ली थी और स्टेप्स कहां से आई हैं उनके बारे में भी हमने क्या था हमारी स्टेप, एनालाइजिंग डेविएशन। तो बहुत ही क्लियर था पॉइंट, थियोरेटिकली इट वॉज वेरी क्लियर, सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, यानी हर एक्टिविटीज में कहीं ना कोई डेविएशन होगा, बुक नहीं है, वेरी गुड, ओके तृप्ति तुम थोड़ा आगे आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, तृप्ति बुक लेकर इधर आ जाओ, तृप्ति अपनी बुक लेकर यहाँ बैठ, तुम वो कंप्यूटर चालू करो उसको, शुरू कर दो, अरे करो ना, पूरे बटन दबाओ, ऑन करो उसको, कहाँ है वो, हो गया, देखो कहाँ है उसका सीपीयू, और दबाओ, उधर भी दबा दीजिए, ओके हो गया, देखो शुरू आगे नहीं हुआ, ओके छोड़ जाए, अपनी जिसका कंट्रोलिंग है हैंडल नहीं लाए, चालू हुआ वो, और वाकई नहीं वो इधर एक टाइम वन और टू मिनट कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशंस। तो डेविएशंस के बारे में बहुत क्लियर थे कि आप कोई भी काम करेंगे, व्हाट एवर यू विल डू, डेविएशंस होकर रहेंगे, क्यों होंगे डेविएशन, क्योंकि जैसा हमने प्लान किया है जरूरी नहीं है कि एज इट इज वैसा ही रिजल्ट्स आए,
results will deviate from one point to another. तो जितने भी deviations हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होती है acceptable range, हो गया, एक होती है acceptable range. acceptable range में क्या है, जो हमको मंजूर है हम आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं. एनालाइजिंग डेविएशंस हमारा क्लियर हुआ. इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्मल है उनको ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है. आज वो आगे पीछे हो रही है, कल वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा रिपेयर निकल आया मशीनरी में, ऑब्वियसली गाड़ी है मशीन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आके रहेंगे, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, नॉर्मल अटेंडेंस है उसके लिए. लेकिन किसी मशीन में कोई मेजर करेक्शन आ जाए तब हमें क्या करना होगा, तब हमें उस मेजर करेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई हार्डवर्क ऐसा करना होगा या कोई अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा. किसका चेंज लाना पड़ेगा, हमको चेंज लाना पड़ेगा कि हम उस मशीनरी को क्या करें, या तो चेंज करें या ओवरहॉल करें या कोई मेजर रिपेयर करवाए. गॉट इट, उसी को बोलते हैं अटेंडिंग टू क्रिटिकल डेविएशंस. Attending to what? Critical deviations. ये जो concept है ये बहुत ही important concept है, मिला के नहीं. ये जो concept है analyzing deviation, ये concept एक human thought है, ये इंसानी सोच के ऊपर depend करता है. इंसान की सोच क्या होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग processes होते हैं thought के. जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं सब control कर लूं, घर में अगर पत्ता भी हिले तो मुझे मालूम होना चाहिए. ऐसी सोच के आधार पर सीरियल बनाई जाती है, ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? कंफर्टेबल हो यहां बैठने में कि वहीं बैठना है? हाँ नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो ऐसी सोच के लिए क्या बनाए जाते हैं, सीरियल बनते हैं. जरा जरा सीधी बातें चार चार एपिसोड में चलती हैं, नतीजा क्या होता है, वो दिमाग खराब कर देती आदमी का. एम आई राइट? इन लॉजिकल चीजों को ऊपर पांच पांच दिन का डिस्कशन होता है. व्हाट इज दैट, वो क्या है, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ लिविंग ए लाइफ. इसलिए कुछ लोगों को उनसे सख्त नफरत है. भाई क्यों नफरत है, भाई इसमें क्या पागल बनती है, खाने में नमक नहीं डला उसके ऊपर दो एपिसोड बन जाते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? मैं तो देखता ही नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो नफरत सी होती आ रही है. जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं मुझे तो उससे, और मैं तो कहता हूं कि मुझे अगर मिनिस्ट्री मिल जाए, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, तो मैं पूछू व्हाट इज द रैशनल ऑफ, और आप क्यों दिखाना चाहते हैं ये चीजें, आप अपने अपने देश के लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सा कल्चर आप इन्वाइट करना चाहते हैं, विच कल्चर यू आर इन्वाइटिंग. Why you are involving those people in family discussions which is not at all required. When two people in a family can solve all the matters, why you are supposed to call each and everyone? Why? एक और बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश के लोगों को पागल कर रही है और भौतिक बात की तरफ लेकर जा रही है.
किसी का भी बर्थडे है पूरा परिवार इकट्ठा होना चाहिए। दुनियादारी में लोग ट्रेन से हवाई जहाज से आ रहे हैं, इट इज हैपनिंग और नॉट? नतीजा क्या हो रहा है? लोग उसी से सीख रहे हैं, लोग उससे सीख रहे हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग देन? देन द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग इन द फैमिलीज नाउडेज। तो जो सिखाया गया है वही लोग क्या कर रहे हैं? रेप्लीकेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में हम ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइजिंग डेविएशन। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो जब तक कि उनका कोई इंडिकेटर, ध्यान से सुनते जाइएगा, जब तक कि कोई इंडिकेटर हमारे यहां पर ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा हो, अगर उस डेविएशन से हमारे परफॉर्मेंस का कहीं कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, इग्नोर देम। क्योंकि हम सारी चीजों को मैनेज करने जाएंगे तो घर का हाल कैसा हो जाएगा? सीरियल जैसा हो जाएगा। समझ में आई बात? जहां स्कूल के अंदर होने वाली एक घटना एक एक महीने के एपिसोड में बन जाती है। इट्स हैपनिंग। मैं अपना नहीं देखता तो क्या अड़ोसी पड़ोसियों की आवाजें तो आती है कान में, कितना कान बंद करेंगे आप? कब तक आप उस एनवायरमेंट से बाहर जाएंगे? आप छोटी छोटी बातों पे अगर पॉइंट करने लगेंगे तो बड़ी बातें जब आपके सामने आएंगी तो आप उनसे घबराएंगे। कल मैं एक पढ़ रहा था तो मिस्टर रतन टाटा जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, शायद MCW ग्रुप पर ही आया था कल, एक बहुत बढ़िया पॉइंट था वो। एक्चुअली उसके बाद बुक नहीं थी तो मैंने उसको वो दे दिया था। वो कोई दूसरा कंप्यूटर चालू है कौन सा जिस पे पेन ड्राइव लग सकती है? वो तो बंद पड़े हुए हैं। आप इधर आ जाओ बेटा, तुम उधर चले जाओ, यू चेंज द सीट। ओके सर, आप बैठिए ना आराम से, मैं उसको चेंज कर दूंगा ना। इसको यहाँ बिठाता हूँ अपने दाम, ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं। सपने तो बेटा आप इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब कर लेंगे। ये लो, वो ऑन हो जाएगा, इसमें से पेन ड्राइव से इसमें कॉपी कर लेना NCERT बुक्स का फोल्डर। तो हम लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी बनी, हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर? तो मैनेजमेंट में हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हमें केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट्स को मैनेज करो। क्या हुआ? इसी में लगेगा, ओपन करूंगा, ओपन तो भूल गई होगी पहले तो आ गया। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनाया गया मैनेजमेंट का, जिसका नाम रखा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या नाम दिया इन्होंने? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और इसको ये बड़े जोर शोर से बोलते हैं MBE। क्या बोलते हैं इसको? MBE मींस आपको एक्सेप्शनली क्या करना है, मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। और इसका इतिहास जो है वो महाभारत काल से है। मैंने आपको बताया था भगवान कृष्ण से जब पूछा गया अर्जुन के द्वारा, तो उन्होंने बहुत सिंपली बोला था कि यू डोंट अंडरस्टैंड एनी अदर थिंग, जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, व्हाट आई एम सेइंग फोकस ऑन दैट। मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, बाकी सबको छोड़ो, जस्ट डू व्हाट आई से। तो अर्जुन ने आखिर बोला मैं कैसे मानूं कि आप कौन है? तुमने कहा ठीक है तब मुझे तुमको वो एक्चुअली क्या है, खुद प्रोनाउंस करना पड़ता है मुझे, तब पता चलता है इधर है ऊपर, इधर ऐसे ये रहा NCERT का क्या लो NCERT का फोल्डर ही का
आज तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक तो थी भाई थोड़ी देर पहले। And I'm not going to take. उसी के फोल्डर के अंदर चेक कर लो वरना आराम से सुनो। तो कहावत क्या बनी, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। If you start managing all the minute points, if you start managing all the minute points, हर छोटी छोटी बात के ऊपर सीनियर मैनेजर्स अगर फोकस करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो मैनेजमेंट है वो सीरियल की तरह हो जाएगा, जहां जरा जरा सी बातों पर क्या हो जाती है, महीने महीने के एपिसोड बन जाते हैं। एंड ऑल दैट थिंग्स यू ऑल नो हाउ टू अवॉइड। मैनेजमेंट जब तक कॉमर्स के बच्चे के जीवन में नहीं आएगा तब तक वो उसके व्यवहार में नहीं आएगा, और जब तक उसके व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसके प्रोफेशन में नहीं आएगा। और वो क्या से बनना है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था रैशनल थिंकिंग, मेंटल रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन का सबसे बढ़िया सिंपल अपना बिजनेस का तो एक ही है, मिनिमम इनपुट। ओके, सीरियल्स क्या है, मैक्सिमम आउटपुट जीरो। क्या आउटपुट है मुझे एक बार बताइए, आउटपुट केवल किसके लिए है, हमारे और आपके जैसे बिजनेसमैन अगर दिमाग लगाए तो। आउटपुट मेरे और आपके जैसे बिजनेसमैन अगर सोचे तो, फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई साड़ीज का नया रेंज लॉन्च किया, या कपड़े का कोई नया डिजाइन लॉन्च किया, या फिर वॉलपेपर का कोई नया डिजाइन लॉन्च किया, वो डिजाइन किसी पर्टिकुलर सीरियल में आना चाहिए तभी बिकेगा वो माल, हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। सीरियल इज नथिंग, सीरियल तो क्या है, इट्स अ गिमिक। वो बनाया क्यों गया ये गिमिक, ये गिमिक केवल और केवल इसलिए बनाया गया है कि मटेरियलिज्म और एडवर्टाइजमेंट का एक वो क्या बने, पार्ट बने। ठीक है, पार्ट बनते ही नहीं, उसको बनाना है। खैर हम इस पे ध्यान देते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Control based on belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. An attempt to control everything ends results in controlling. Ek sadhe sab sadhe, sab sadhe sab jaye. Matlab, if you start controlling all things will go in from your head. ठीक है, अरे कंसेप्ट जब ये कहावत जिसने बनाई थी, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो शायद सुना था, किसने कहा मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा था ये जो लोकोक्ति बनाई गई है, कहावत नहीं है, लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कुछ बातें, ये किसी नाव पर बैठकर बनाई गई। बस कैसे बनाई गई थी, जब आप समझ जाएंगे कि नाव पर ही क्यों बैठ के बनी है, तब आपको आप समझ जाइएगा उस दिन कि हमें मैनेजमेंट अब समझ में आने लगा है। ठीक है, क्योंकि तो नाव के ऊपर बैठने के बाद फिर आपका कंट्रोल नाव पर होता है क्या, कैप्टन का होता है क्या, तो किसका होता है, ऊपर वाले का। दैट्स अ ट्रुथ, अगर ऊपर वाले का ही तो कंट्रोल है, अगर नाव को कंट्रोल करने वाला कैप्टन होता तो टाइटैनिक डूबता क्या, नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से डूबा है। इट इज अ कर्स ऑफ गॉड, और वो होता है, ऊपर वाले की मर्जी थी तो हिमालय में सुनामी आई, ऊपर वाले की मर्जी थी कि
केदारनाथ मंदिर को एक सुई बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। चमत्कारी तो वही है, बस इसी बात को ध्यान रखो। तो जस्ट लेकिन मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, व्हाट मैनेजर्स आर सपोज टू डू, मैनेजर्स आर सपोज टू एड्रेस द मोस्ट क्रिटिकल डेविएशंस एट फर्स्ट। जो सबसे क्रिटिकल डेविएशंस हैं वो सबसे पहले एड्रेस करो। जैसे एग्जांपल, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ने से सीधे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा, हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, प्राइस वार में वो हमसे जीत जाएगा, हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा, 2 साल के अंदर फैक्ट्री पे ताले लग जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 क्या, आजकल तो 1 साल में लग जाते हैं, पहले 2-5 साल चलता था, अभी तो 1 साल में ताला लग जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लेबर, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन लीगल एनवायरमेंट, ये हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको एड्रेस करना है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कटिंग हमेशा सुनते हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर कॉस्ट कटिंग। अगर कॉस्ट कटिंग नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। कॉस्ट कटिंग आएगी कैसे, कॉस्ट कटिंग आएगी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। खैर आगे आते हैं, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट और एक्सेप्टेबल रेंज should be brought to the notice of management. For example, if a plan lay down 2% increase in labor cost as an acceptable range of deviation, then only increase in labor cost beyond 2%, say 5%, should be brought in the notice to management so that immediate corrective actions can be taken. Advantages kya hai? Management by exception ke. Number one, The routine problems are left to subordinate. छोटी मोटी प्रॉब्लम किसको देंगे आप, सबऑर्डिनेट्स को। सीनियर मैनेजर का काम क्या है, केवल और केवल एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, क्रिएटिविटी मेंटेन करना, वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लान फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ किसी भी एंगल में हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन, सेविंग, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर, कहीं भी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ का मतलब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री बना ली ग्रोथ है, ये भी है, लेकिन केवल यही ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ और भी कई मायनों में हो सकती है। दूसरा, दस फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हम MBE का यूज करेंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो आपकी लिमिट के बाहर की बातें है, वो कौन एड्रेस करेगा, सीनियर मैनेजमेंट, और छोटी मोटी बातें कौन एड्रेस करेगा, लोअर मैनेजमेंट। इससे काम का बंटवारा भी होगा, डिवीजन ऑफ वर्क भी होगा, और लोग नई जिम्मेदारी के लिए क्या होंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, छोटा मोटा काम करके बड़ी पोस्ट के लिए भी इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको जाना पहचाना व्यक्ति चाहिए के नया ट्रेनिंग देना है हर बार, बस ये समझ लीजिए आप इस बात को। अगला पॉइंट, इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स। इससे मैनेजर्स का टाइम और एफर्ट भी बचेगा, एज दे डील विद ओनली व्हाट टाइप ऑफ डेविएशंस, सिग्निफिकेंट डेविएशंस। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, CPC, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, केवल यही तो आपके सिलेबस में है, बाकी सारे आपके सिलेबस के बाहर है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैनेजर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें मालूम है व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जैसे स्कूल में जो पुराने टीचर्स हैं, जो पुराने बच्चों को देखते हुए हैं, उन्हें मालूम है कि अगर स्कूल के किसी पार्ट में हंगामा हो रहा है या इस क्लास में हंगामा हो रहा है, तो कौन होगा
जो हंगामे का सूत्रधार होगा। मुझे अपनी क्लास के बारे में मालूम था, अगर क्लास में कुछ गड़बड़ हुई है, लड़ाई झगड़ा है, एंड हु इज द बिगिनर एंड हु जो आग में क्या डाल रहा है, घी डालने का काम कर रहा, और कौन इसमें मॉडरेटर है, अरे भाई शांत रहो, टेंशन मत लो, होता है ना। आप लोग जब अभी तो क्या ट्वेल्थ में क्या लड़ोगे, गिनती के 18 बच्चे थे, क्या लड़ोगे इलेवेंथ में, लड़ भी लोगे आपस में लड़ भिड़कर, मेरे तक बात नहीं आएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यही है कि आपको पता होना चाहिए कहां पर गड़बड़ होती है। एज टीचर्स नो देयर स्टूडेंट्स इन अ सेम वे द प्रोडक्शन मैनेजर, उसको उसको पता है कि किस जगह पर गड़बड़ हो सकती है, वो कौन सा पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जहां पर आप गड़बड़ को नोटिस कर सकते हो, वो कौन सी चीज है, वो कौन लोग हैं जो गड़बड़ पैदा कर सकते हैं, उनको पकड़ लो, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दो, काम चलते रहेंगे। Got it or not? Yes or no? अगर इंडिया टीम को हराना है वनडे में और विराट कोहली कैप्टन है, तो अगर विराट कोहली को पटक लिया तो टीम का हौसला क्या हो जाएगा? Exactly, that's the point. विराट कोहली को अगर बैटिंग नहीं करने दी ढंग से, वो आउट भी नहीं हुआ, वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा है, परेशान है, रन नहीं बन रहे हैं, तो टेंशन बढ़ जाएगी। और विराट कोहली को भी मालूम है ये इनका सबसे बढ़िया बॉलर है, अगर पहली ओवर में इसकी बॉल पर दो छक्के एक चौका पड़ गया तो पूरी बॉलिंग टीम की क्या हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। क्यों? सबसे बढ़िया बॉलर पिट रहा है, मतलब अभी ध्यान देना पड़ेगा। That's a cricket, but the same is with the management also. Critical point control. इंतजार करते ना बैट्समैन, लूज बॉलर आएगा तब छक्के मारेंगे, am I right or wrong? तो किसको कंट्रोल करना है? क्रिटिकल पॉइंट्स को कंट्रोल करना है। अगर सहवाग पहले 4-5 ओवर में आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो उसके बाद फिर क्या था, फिर तो वो सेंचुरी बना कर जाएगा। रोहित शर्मा का भी वही हाल है, शुरू में आउट हो गया तो, नहीं तो फिर मैच क्या हो गया, हाथ से चला जाएगा। यही क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर। क्या कहते हैं, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट टू बी कंट्रोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड इज कस्टमर्स बेस। किसे कंट्रोल करना है आपको? कस्टमर्स को, डिमांड को। किसको? डिमांड और सप्लाई को। डिमांड जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, अगर डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो बिजनेस के लिए फायदा है कि नुकसान है? कैसे? हाँ, आपका प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड है, आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स अपना माल बेच के निकल लेंगे धीरे धीरे। अगर कॉम्पिटिटर हमसे अच्छे हो गए तो हम मार्केट से बाहर और कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर, हम अपनी डिमांड को कंट्रोल में नहीं रख पाए। सो डिमांड इज अ क्रिटिकल पॉइंट, कस्टमर इज अ सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर, मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर। एक बहुत छोटी सी घटना है बहुत छोटी बट थॉट प्रोसेस की घटना है, कि क्या थॉट प्रोसेस होता है। मैं कई जगह घूमा हूं, अलग अलग जगह पर लोगों के बिजनेस करने की स्ट्रेटजीज देखी है मैंने, इधर उपरवाई में और इधर चंद्रपुर में मैंने जो देखा कि जो बिजनेस एंटिटीज है छोटी छोटी, वो कस्टमर्स को उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं देते कस्टमर्स, बल्कि उनका रिव्यू क्या होता है, अड़ियल होता है। मुझे मालूम है कि ये चीज 50 रुपए की है, एमआरपी 70 लिखी है, मैं कह रहा हूं ये 50 की है, नहीं सर हम तो 70 की बेचेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना तो आप जा सकते हो। इज दिस सेंटेंस टू बी यूज्ड व्हाइल बिहेविंग विद द कस्टमर? आप अपना पॉइंट रखिए,
लेकिन कस्टमर को जाने के लिए बोलोगे क्या? बट पीपल यूज टू से, एम आई राइट और रॉन्ग? आप परसुएशन, परसुएशन है क्या? ये है, ले लो, देख लो। आपसे पूछता है शॉपकीपर कि आप ले लीजिए मैडम, बहुत अच्छी चीज है, ऐसा कुछ बोलता है? मैनी ऑफ डोंट डू दैट, ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैनी ऑफ देम डोंट डू दैट। यहां तक कि जूता चप्पल वाला क्या करता है, क्या सब क्या चाहिए, चार बात आपसे पूछेगा और फिर चप्पल की जोड़ी कितनी लेकर आएगा, दो, यही है ले लीजिए, और नहीं, और नहीं है, बस इतना ही है, जितना आपने बताया उसका यही है। उसे पूछना नहीं है कि व्हाट डू यू वांट। जब आप अपने कस्टमर का टेस्ट नीचे पहचान पाए, विल यू बी देयर इन द बिजनेस, विल यू बी देयर इन द बिजनेस और नॉट? नो। आई गिव यू वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल कि कैसे बिजनेस हत्याया जाता है दूसरों का। ओके, किस तरीके से, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कि कैसे बिजनेस जो है लोगों के हाथ से दूसरों के हाथ में चला गया। एक खाने का आइटम है जिसका नाम है गजक और रेवड़ी, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। गजक और रेवड़ी जो है ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, धौलपुर, भरतपुर, इसका एक बहुत ही फेमस आइटम है और इट इज अ मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, एमएसएमई है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, पेठे के बारे में भी आपको समझाया था। तो पेठा क्या है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट में चल रहा है। बट व्हाट अबाउट गजक, गजक बनाने वाले कौन है? तो हमारे देश में, प्लीज अगर कोई इस बात से हो तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम है, हमारे देश में कास्ट होती है, हमारे यहाँ उनको बोला जाता है तेली, ठीक है? वो लोग इसकी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अपने नाम के आगे राठौर लिखते थे। तो राठौर जो है आपको हमारे यहाँ के जो है गजट बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, एंड दे आर द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ओके, और ट्रेडिशनल बिजनेस है, 50-50, 60-60 सालों से उनके घर में हो रहा है एंड दे आर एंजॉइंग देयर गुडविल। बट व्हाट हैपेंड, हमारे यहाँ की एक और कास्ट है शिवरे। शिवरे कौन? जो पहले शराब का बिजनेस करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल होने की वजह से वो बिजनेस उनके हाथ से चला गया। तो उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि ये गजक वाला जो बिजनेस है, क्यों ना हम इसको ट्रेडिशनल से निकालकर मॉडर्न बिजनेस में लेकर आए। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन थे, ही वाज अ वेरी पोलाइट पर्सन, मीठा बोलने वाला। उसने क्या किया, जहां वो राठौर बनाता था, जो मेन था मैन्युफैक्चरर, उसकी दुकान बस्ती में थी, उसने दुकान कहाँ खरीदी, बाजार में, उसी का माल खरीदता और बाजार में आकर बेचता। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि वो केवल मैन्युफैक्चरर बन गया और ये ट्रेडर बन गया। उसके घर में कोई ग्रोथ नहीं हुई, उसकी इनकम लिमिटेड हो गई और इसकी इनकम अनलिमिटेड हो गई। उसके घर में साइकिल थी, साइकिल ही रही, इसके घर में होंडा सिटी आ गई। सुनना, ये तो मेरे आंखों देखी हाल है ये। लेकिन वो बिजनेसमैन डेवलप कैसे हुआ, तो शिवरे फैमिली कैसे डेवलप हुई, फैमिली बन गई। एक दुकान से उन्होंने शुरू किया था, पूरी की पूरी मार्केट कवर कर ली। लेकिन मैंने क्या बताया, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, और जब ओरिजिनल ट्रेडिशन को छोड़कर मॉडर्न हो जाता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर वो सबसे पहले किसको खा जाता है, नकली को। तो द राइज एंड द फॉल ऑफ शिवरे, हमारे उसमें लिखा जाता है, अखबार वाले सब लिखते हैं कैसे ये आगे बढ़े और कैसे ये बर्बाद हुए। तो शिवरे जी ने नई दुकान खोली और बकायदा असली गजक ग्वालियर का बिजनेस चालू किया। हाउ दे मेंटेन्ड द कस्टमर, आप पहुंच गए, जैसे मान लीजिए स्वप्निता गई शॉप पर,
तुरंत एक प्लेट निकाली पेपर की, मैडम टेस्ट करिए। आपने कहा अच्छा है, एक पैकेट ले लीजिए। ले लिया आपने, अरे मैडम हमने एक नई चीज बनाई है, एक नया प्रोडक्ट है, नया टेस्ट आया, आप प्लीज टेस्ट करिए। इन्होंने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं मत लीजिए, बस इतना बता दीजिए आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, इसमें क्या कमी है, बस इसीलिए मैं आपको टेस्ट करा रहा हूं। तो शिवरे जी ने ऐसे करते 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 शहर में नाम क्या कर लिया, रोशन कर लिया, खुद का नाम इतना बड़ा हो गया कि कईयों को खा गया। लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, पैसा आएगा तो आपका क्या होगा, आप उस पैसे को एंजॉय भी करेंगे, एंजॉय करेंगे तो फोकस बिजनेस से हटकर कहां जाएगा, एंटरटेनमेंट पर जाएगा। ठीक है, राठौर का फोकस ट्रेडिशन पर रहा, मॉडर्न नहीं हुआ, बिजनेस हाथ से चला गया। शिवरे का फोकस बिजनेस से हटा, दूसरे बनिए घुस गए, वो उसी राठौर को उठाकर मेन बाजार में ले आए और अपना बिजनेस चला लिया, शिवरे बाबू गायब। और अब वही रिसर्च में चला गया, भाई बच्चे हैं, ये कहानी कैन नॉट एक्सपेक्ट। अब उन्हीं फैमिली के बच्चे ने किसी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, कैटरिंग या उसका कोर्स करा, उसको उसमें दिमाग लगाया, नई वैरायटीयां बना ली, 50-50 तरह की, एक जो गजक थी वो गजक की 50 चीजें बना मारी, कस्टमर को दिया ओरिजिनल, सामने बन रहा है, ताजा है, लेकर जाओ। लाखों का बिजनेस करोड़ों में कन्वर्ट कर लिया। किस चीज को कंट्रोल नहीं करा, कस्टमर्स को। तो बिजनेस में कस्टमर क्या करता है, माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का यही मतलब है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को मैनेज करना है। पहले पोस्ट कार्ड 4 रुपए से 40 रुपए का हो गया, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बिजली के जो रेट है, इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है पर यूनिट, पहले 6 रुपए आती थी, अब 6 रुपए 1 पैसे आ रही है। ओके, ये फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। कोरियर के चार्ज पहले 5 रुपए थे, अब 6 रुपए हो गए, कौन सा वाला ज्यादा इंपैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का के कोरियर का? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। टैक्स 5% से 10% हो गया, इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो कस्टमर क्या करेगा, प्राइस, कस्टमर इज प्राइस सेंसिटिव। अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, हाउ यू शुड मेंटेन द प्राइस, लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पार्ले, कैसे उन्होंने अपने आप को इस देश में इतने सालों से मेंटेन किया और हर बार मुसीबत से बाहर निकले। कोरोना में सबसे बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने वाला कौन था, पार्ले। कैसे, भूखे लोगों को तुरंत खाना आप बना के दे नहीं सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो एक ग्लास पानी और एक पार्ले का बिस्किट अगर आपने उसको दे दिया तो वो जिंदा बच जाएगा। पार्ले ने यही काम किया पूरे कोरोना में। जितना भी धर्म कल्याण का काम हुआ, आप पार्ले बिस्किट सबसे ज्यादा बांटा गया। उनका बिजनेस जो नीचे जा रहा था वो क्या हो गया, वापस क्या हो गया, रिवाइव हो गया। मरता क्या ना करता, बिस्किट पार्ले अवेलेबल है दुकान के अंदर, घर में बैठे बैठे क्या करे, बच्चे क्या करे, कुछ नहीं, पार्ले बिस्किट ही खाया है ना, कुछ और मिला क्या, चॉकलेट वॉकलेट मिलता था क्या, कुछ और, एक ही बिस्किट आया पार्ले और क्या मुनेको, यही था बस। शुरू के 3 से 4 महीने प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है बिजनेस के अंदर, वो यही था। गवर्नमेंट ने खुद होकर इनके बिजनेस को शुरू कराया, बोले तुम तो शुरू करो, तुम बंद हो जाओगे तो हम भूखों को क्या खिलाएंगे। तो ऑन द स्पॉट आप बिस्किट ऑन द स्पॉट दे सकते हो, गर्म है ठंडा है कोई चीज नहीं दे सकते। तो जो पॉइंट है उसको मैनेज करो, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसी बेसिस पर चलती है। गवर्नमेंट के अंदर छोटे मोटे तो होते रहेंगे, रोज के बनने हैं। मोदी जी सब चीजों को अटेंड करते हैं क्या, उन्हें कोई मतलब नहीं है, छोटा मोटा तुम लड़ते रहो, सर फोड़ते रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो केवल किस चीज पर ध्यान रखते हैं, 2 चीजों पर, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। एमबीई में से क्रिटिकल रहे, अब इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।
It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. आप हर चीज को ऑर्गेनाइजेशन में चेक नहीं कर सकते. ओके, देयरफॉर आइडियल कंट्रोल टेक्निक शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया. व्हाट इज योर की रिजल्ट एरियाज व्हिच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा क्या है, क्रिटिकल है. सो व्हाट आर की रिजल्ट एरिया. की रिजल्ट एरिया क्या होता है, आपको कहां फोकस करना है. हमारा जो चैप्टर कमजोर है, मैं उस पर फोकस करना है कि नहीं करना है. बस आज के जमाने में ना KRAs भी बोलते हैं, और बीच में इसका बड़ा शौक चला था, हर एम्प्लॉय का KRA लिखवाओ. भाई तुम बताओ तुम ना तुम्हारा फोकस क्या होगा इस साल. मुझसे भी खूब सारे की रिजल्ट एरिया लिखवाए जाते थे कि आप अपना परफॉर्मेंस का लिख कर दीजिए. ठीक है, चलता रहता है ये सब टेक्निक है. ये द KRA आर सेट एज अ क्रिटिकल पॉइंट. इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग at the critical point, the entire organization suffers. जैसे एक example है, in a manufacturing organization, an increase of 5% in labor cost may be more troublesome than 15% increase in postal charges. मैं कहीं बाहर से example नहीं उठा रहा हूं, मैं केवल point की बात कर रहा हूं. खैर, advantages, it focuses managerial attention on which area, important areas. कौन से एरियाज पे फोकस होना चाहिए. अगर एम्प्लॉइज साल में आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है 1% है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. 100 में से एक आदमी साल में से छोड़कर जाता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, रिटायरमेंट, ओल्ड एज, पर्सनल प्रमोशन, ग्रोथ, हायर ग्रोथ, एजुकेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, इट्स ओके. लेकिन साल के 15% 20% एम्प्लॉय छोड़कर जाते हैं, ये क्या है, ये क्रिटिकल है. यानी आपको हर साल 20% नया स्टाफ भरना है, 20% स्टाफ को ट्रेन करना है. 5 सालों में पुराना एम्प्लॉय साफ, नया आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खत्म. जब तक नया व्यक्ति पुराने एनवायरमेंट से धारण नहीं कर लेता, कहते ना पुराने एनवायरमेंट के अंदर ढल नहीं जाता, तब तक और नया आदमी अगर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बर्बाद कर देगा. मैंने कई स्कूल्स को बर्बाद होते हुए देखा है. मालिकों ने क्या किया, सस्ते टीचर्स के चक्कर में क्या करते थे, नया वाला सस्ता मिल रहा है हटा दो. राजकोट में एक स्कूल है गुजरात में, वो सैलरी मालूम है कितना लिखता है, कॉमर्स टीचर की 1 lakh to 1.5 lakh पर मंथ. ठीक है, कई बार आता था अपने स्कूल में कभी इंस्पेक्शन के लिए, प्रिंस मालिक उसका प्रिंसिपल और वो मालिक, तो हम लोगों को बोलता था मेरे स्कूल में आ जाओ. तो हम लोग हंसते थे उसके ऊपर, हंसते थे 1 lakh सैलरी देगा, हम जानते नहीं है, बेवकूफ है, तेरे को हमसे सस्ता मिलेगा तो हमको डा देगा. एंड इट हैपेंड देयर, हमेशा उसके यहाँ पर यही होता. कई लोग कॉल करते हैं, अरे तुम्हारे पास वो राजकोट है इतना बढ़िया स्कूल है, मैंने जाना नौकरी करने, बोले 1 lakh देता है, मैंने बिल्कुल, मैंने 1 lakh के साथ 1 lat भी देता है, वो 1 lakh नहीं है, वो 1 lat है. थोड़ा सा तोतला हो जाए, लाख का लाख हो जाता है. बोले मतलब क्या, मेरी मतलब यही है जो मैं बता रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो 1 lakh भी दे देगा, और जहां मालूम चला कि तुमसे सस्ता मिल रहा है तुमको परेशान करेगा, तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा. आज वो ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने मुझे ज्वाइन किया था तो राजकोट का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था स्कूल्स में, अब वो ऑर्गेनाइजेशन गायब जैसी स्थिति में आ गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी भेड़ बकरियां भर रखी हैं बच्चे और टीचर्स कि वो उन्हीं से नहीं समझ रहे. अब भेड़ है लेकिन गधे की तरह रहती है. ये मैनेजमेंट एग्जाम्पल्स है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को. हाथी है लेकिन चूहे की तरह चिल्लाता है, शेर है लेकिन भौंकता है, कुत्ता है लेकिन दौड़ता है, किसी काम के नहीं. खरगोश है दौड़ना नहीं आता, कछुआ है तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा है. मैनेजमेंट में ऐसे ही भर्ती हो गई. अब आप किससे क्या काम कराओगे, यू हैव नो चॉइस जस्ट टू थ्रो ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि अब वो जो है वो बीस का बर्डन है, इंग्लिश में कहते हैं ना मुसीबत का पिटारा है. अब वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने एम्प्लॉय टर्नओवर को कंट्रोल नहीं किया.
एम्प्लॉय टर्नओवर कंट्रोल कर लोगे तो कल्चर कंट्रोल हो जाएगा, आपका सिखाया हुआ इंसान को आपको 10 बार सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पापा मम्मी आपको अब एक ही बार बात बोलते हैं, दोबारा नहीं बोलते, और एक सेंटेंस लगाते हैं, मेरा काम था बताना, सुनना ना सुनना तुम्हारा, राइट और रॉन्ग। पहले क्या होते थे, नहीं माने तो कान पकड़ के मनवाते थे, अभी कान पकड़ के मनवाते हैं, अब तो डायलॉग मिल जाता है लास्ट में, डिस्क्लेमर जैसे बोलते हैं, हमारा काम है सच्चाई बताना, बाकी तो आपकी मर्जी है। बोले सर आप भी तो ऐसे ही बोलते हो, तो हम ही से सीखे भी तो, हम भी तो पेरेंट्स ही हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स अवर वर्क। आगे बढ़ते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब क्या करना है, टेकिंग व्हाट, करेक्टिव एक्शंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन मतलब अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको आप कैसे ठीक करोगे, आप कौन कौन से एक्शन लोगे अपनी गड़बड़ को ठीक करने के, तो उसके लिए आपके पास एक टेबल बनी हुई है, आप उस टेबल की तरफ जाइएगा, एनसीईआरटी में पेज पलटो, हाँ करेक्टिव एक्शन की टेबल बनी है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एक एक पॉइंट करके चलते हैं जो खत्म हो गया टॉपिक। डिफेक्टिव मटेरियल, अगर मटेरियल डिफेक्टिव है तो क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे आप, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज, यानी आपने जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आपने जिस क्वालिटी का मटेरियल बनाया था वो मटेरियल डिफेक्टिव निकल रहा है, वो आपके प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा, या तो आप मटेरियल चेंज करो या अपनी क्वालिटी का स्टैंडर्ड चेंज कर दो, या फिर क्या कर दो, हमारे देश के लोगों को प्योर जूस पिला दो, बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, और वो पिला दो उसका पेप्सी और कोक वाला जूस, बड़ा मजा आता, कुछ नहीं होता, ये गारंटी है, डॉक्टर खुद कहता प्योर जूस पिला मत देना एक साथ में, प्योर जूस 100 ग्राम पिलाना, वो भी बूंद बूंद करके इकट्ठा पिला दिया ना किसी बीमार को एक साथ, कई लोग बीमार पड़ गए, मौसम बीमार आदमी है, मौसमी का एक गिलास बड़ा जूस पिला दिया एक साथ, बॉडी झेल ही नहीं पाई और बीमार पड़ गया, आपने सुना होगा मौसमी का जूस पीकर बीमार पड़ गए, क्यों, प्योर पी लिया था। क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन देख लो हमारी बॉडी को किस चीज की आदत है। सेम विद व्हाट, बिजनेस आल्सो, जो रॉ मटेरियल जिस स्पेसिफिकेशन का चाहिए वही अगर डिफेक्टिव निकल रहा है वो हमारे लिए डिफेक्टिव हो रहा है, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। अगला पॉइंट, डिफेक्टिव मशीनरी, मशीनरी डिफेक्टिव है, बार बार गाड़ी परेशान कर रही है, प्रॉपरली एक बार सर्विस करा लो, नहीं तो ओवरहॉलिंग करा लो, और अगर फिर भी काम नहीं कर रही चेंज द मशीनरी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन सफर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, ऑब्सोलेट मशीनरी, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजी, बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है चेंज कर दो, आजकल कौन यूज करता है पुरानी जमाने की टेक्नोलॉजी, कोई नहीं, आप जो कपड़ा पहने बैठे हो ये सब कपड़ा मॉडर्न प्लांट पे बना है, ठीक है, हाई क्वालिटी पावर लूम्स या एयर जेट मशीन से बना हुआ है, कौन सी मशीन, ये जो शर्ट्स पहने हो ना आप लोग, टी शर्ट नहीं शर्ट, ये कौन सी मशीन पे बनी हुई है, ये सब एयर जेट पे बनी है, और जो टी शर्ट पहने बैठे हो ना स्पोर्ट्स की, ये सब पावर लूम की मटेरियल है, हाई क्वालिटी पावर लूम की। पहले क्या कैसे बनता था, हाथ से, अब कैसे बन रहा है, ये सब एयर जेट मशीन, एयर जेट मशीन के खूब सारे डेमो है आप देख सकते हो गूगल पर, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चीजें बन रही है, पुरानी मशीन की कोई यूज है क्या, हमको यूज नहीं पुरानी मशीन का, सिंपल, पुराने कंप्यूटर चलते हैं क्या, पुराने कंप्यूटर पर विंडोज 10 चलता है क्या, पुराने लैपटॉप्स को क्या चाहिए, अपडेट चाहिए कि नहीं रजत, क्या करना पड़ता है, पुराना वाला डब्बा घर में पटक दो नया लेकर आओ, मैं खुद लेके आया हूं इसलिए मुझे मालूम है, चल ही नहीं रहा है पुराना, इंटरनेट ही नहीं चलता उस पर, और चलता भी है तो कैसा चलता है, उसका घूमता रहेगा शाम से चालू होगा सुबह तक घूमेगा, जैसे वोडाफोन का नेटवर्क, फोन लगाओ काका को लगेगा चाचा को, बीच में आवाज आ जाएगी मामा की, अरे कौन बोल रहा है भाई, वही हाल हो रहा है काका मामा चाचा वाला, अब वोडाफोन बेचारे बाबा आदम के जमाने की टेक्निक यूज कर रहे हैं, चल रहा है क्या वोडाफोन, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, एयरटेल वाले कह रहे हैं हमने 5G लॉन्च कर दिया, बहुत बढ़िया, पहले तुमने 4G लॉन्च किया था क्या हुआ,
अम्बानी जी ले गए उसको भी उठा के, तभी तुम 5G लॉन्च कर दो, मी फर्स्ट मैं पहले करने के चक्कर में वो पहले सीधे शमशान पहुंचेगा जाके। ज्यादा मिमी आती है तो क्या होता है, अगली बकरीद मिलती है क्या? नहीं ना, ज्यादा चिल्लाओगे अगले बकरीद पर पहले शहीद वही होगा। एयरटेल वालों के साथ यही हो रहा है, खूब चिल्लाया सबसे पहले शहीद हुए, हर बार, पहली बार नहीं हुआ है, 4G में हुआ, 3G में वो जीत गए थे, 2G में वही हुआ उनके साथ, खूब चिल्लाया वो अम्बानी जी 500 रुपये वाला फोन लिया, एयरटेल भूल गए, खत्म हो गया खेल। ठीक है, उससे पहले खूब चिल्लाए BSNL वालों ने एक्सेल सिम लॉन्च कर दी, फिर बिजनेस खत्म हो गया। तो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। हमने एक गांव में 5G चला दिया, चिल्लाने लगे हमने 5G लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च कर ही लो मेरा, आराम से कर लो। बिजनेस स्ट्रेटजीज बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होती हैं, उनको ध्यान से समझना चाहिए। अब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, हर्डल है। टेक्नोलॉजी को क्या करो, फेज वाइज अपग्रेड करते जाओ, और जितनी जल्दी अपग्रेड करोगे उतना हमारा बिजनेस क्या होगा, मॉडर्न होगा। और अगर अपग्रेड नहीं करा तो कौन सी कंपनी आजाद हो जाएगा, कोडेक कंपनी जैसा, दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा बनाने वाली कंपनी, आने वाले जमाने के बच्चों को भूल जाएंगे कि ऐसी कोई कंपनी भी थी। राइट और रॉन्ग। फिर डिफेक्टिव प्रोसेस, अगर हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन प्रोसेस डिफेक्टिव है तो उस प्रोसेस को क्या करो, मॉडिफाई कर दो, फटाफट मॉडिफाई करो और नई प्रोसेस लेकर आओ। उसके लिए क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, करो रिसर्च। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो हमारे देश के IIT के बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको बुलाओ, उनकी टीम बनाओ एंड फाइंड आउट, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स की टीम बनाकर बिठाओ कि कहां गलती है, उस प्रोसेस को ठीक करो। और प्रोसेस को ठीक करने के लिए कोई बहुत बड़े उपाय की जरूरत नहीं है, छोटा सा उपाय भी काम आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, टाइम कॉन्स्टेंट ड्यू टू विच प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, यानी हमारा प्रोजेक्ट टाइम की वजह से पीछे चल रहा है, होता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको टाइम पर पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर, एक्स्ट्रा वर्कर, एक्स्ट्रा मशीनरी, कॉन्ट्रैक्टिंग करके अपने वर्क ऑर्डर को क्या करो, पूरा करो। हमारे देश में एक कंपनी है L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट लेते हैं। इस समय पूरी दुनिया भर के प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट L&T के पास आ रहे हैं, L&T वाले मना कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए भैया, अब और नहीं झेल सकते, इनकी कैपेसिटी फुल चल रही है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं। ये क्या करते हैं ये लोग, इनके 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 काम करने के तरीके अलग है। ये कहते हैं एक मंजिल एक महीना, मतलब वर्टिकली हम एक महीने में एक मंजिल उठाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली तुम्हें कहीं भी तभी उठवा लो भाई। कंक्रीट लगेगा 15 दिन तो सूखने में और बनाने में लगेंगे ना, 15+5 रखने और उसके में 20, 5 दिन निकाल ले में 25, एक महीना बोलते हैं, एक महीने में एक मंजिल, ठीक है, एक महीने में एक मंजिल ऊपर, एक महीने में एक इधर, तुम्हें जितना लंबा बनवाना है बनवा लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो दैट इज दैट। 6 महीने में 6 मंजिल की बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी हो बना के दे देते हैं, उनके काम करने का यही तरीका है, दैट इज फिलोसफी, तो यही बता रहा हूं मैं। अब मान लो L&T अपने प्रोजेक्ट पे पीछे चल रही है तो क्या करेंगे वो लोग, नई मशीनरी, नई लेबर, नया प्रोजेक्ट। और L&T के अंदर मैंने जो देखा है कुछ प्रोडक्शन साइट्स पर 24/7 कंस्ट्रक्शन होता है, 24 घंटे चालू रहता है, तीनों शिफ्ट में काम बंद नहीं करते, वो शिफ्ट वाइज काम करते हैं। अपन लोगों ने क्या देखा है, लेबर जो है दिन में काम करती है, रात में कोई काम नहीं होता, लेकिन L&T की साइट पर आपको 24 घंटे काम होते हुए मिलेगा बिल्डिंग्स में, वो रोड वगैरह कोई भी 24/7 वर्क होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ जगह पर नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज दे हैव अ फिलॉसफी ऑफ डूइंग दैट ओनली। नाउ नेक्स्ट,
लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड मशीन. अगर लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है, सोफिस्टिकेटेड मशीन को ऑपरेट करना नहीं आ रहा, वेजिटेबल ट्रेनिंग के लिए भेजिए. किसके लिए भेजिए? वेजिटेबल ट्रेनिंग के लिए भेजिए. किसको? वर्कर्स को भेजो ट्रेनिंग के लिए. इसलिए मैं इसको ले रहा हूं बुक को. नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड मतलब मेरा एम्प्लॉय जो है वो क्या है? जेम्स बॉन्ड है. एक दिन में 18 घंटे काम कर सकता है, 6 घंटे जाग सकता है, फिर दोबारा 18 घंटे काम कर लेगा. ऐसा सोचना मैनेजर्स की बेवकूफी होती है. ठीक है, फिल्में अलग, सीरियल अलग होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं. एक वर्कर जब 8 घंटे खून पसीने से काम करता है तो फिर आप उससे बोलो कि भैया अगला ओवर टाइम भी कर ले, अगर उसके अंदर कैपेसिटी होगी तो ही कर पाएगा, दोबारा नहीं. और अगर उसने करने की कोशिश करी, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तुम सोचो हर रोज करेगा तो क्या हो जाना है उसका? उसका अंतिम संस्कार हो जाना है, और क्या हो जाना है? और बिजनेस का सत्यानाश और कैपिटल जीरो. अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे. व्हाट आर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स? अब आप एक्सपेक्ट करें कि नहीं, अब जेंसर जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे 100 मीटर में. ये क्या है? ये 100% अनरियलिस्टिक है. Am I right? लेकिन हमारे स्कूल में एक 10 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा दौड़ता है, बहुत अच्छी फिजिक है, सब कुछ है, मेडिकल टेस्ट वगैरह में सब में फिट है. हम उसको मेडल के लिए तैयार नहीं कर सकते, ओलंपिक ही नहीं, कॉमनवेल्थ में तो ला सकता है, कर सकते हैं ना. फिजिक अच्छी है, रनिंग अच्छी है, ब्लड लेवल वगैरह सब ठीक है उसका, उस लेवल का है कि वो दौड़ सकता है. 10 साल की उम्र से अगर हम उसकी ट्रेनिंग शुरू करें तो 16 ईयर्स तक मेडल ला सकता है कि नहीं? That's what Chinese are doing right now. Chinese जो है अपने स्कूल से उन बच्चों का सिलेक्शन करते हैं जो आगे चल के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं. तो एक बार चाइनीज लोगों ने वो सब पकड़ लिया, फिर वो बच्चा जो है उनके स्पोर्ट्स अकेडमी में पढ़ता है, उसका रहना, खाना, पीना, पढ़ाई लिखाई किसकी जिम्मेदारी? फिर चाइनीज गवर्नमेंट की. बस सिलेक्शन होना चाहिए उस अकेडमी में. लेकिन उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? दे सिलेक्ट एट द एज ऑफ 7 to 10. 7 से 10 साल के बच्चे सिलेक्ट करते हैं. आप देखेंगे चाइना के जिम्नास्ट जो है, दे आर बेस्ट. Am I right? बेस्ट है. 14 साल 16 साल की लड़कियां वहां पर जो है जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल लाती हैं, लड़के गोल्ड मेडल लाते हैं. कैसे लाते हैं? हमारे देश में ट्रेनिंग शुरू होती है 16 के बाद, वहां पर तो 16 साल में तो गोल्ड मेडल आ गया, 20 साल में रिटायर कर देती है उस बच्चे को. मतलब वो रिटायर हो गया, वो अकेडमी में पढ़ाएगा दूसरों को. चाइना के स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 25-30 तक, मैक्सिमम 25, उसके बाद हमारे यहाँ देश में क्रिकेटर 40 के बाद रिटायर. क्यों? मैं क्यों देखा रहा हूं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है. हम क्या होते हैं स्टैंडर्ड में? कहीं नहीं. अब मैं एक्सपेक्ट करूंगी वंशिता जो है अब हॉकी का गोल्ड मेडल के लिए जाएगी. राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर ये सोचा गई होती बात, वो आज क्या होती? रियलिटी होती. तो अनरियलाइज्ड स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे. तो यहां पर हमारा एक कंसेप्ट खत्म होता है. मैंने इस पूरे कंसेप्ट में बाकी की थ्योरी भी पढ़ा दी, अब मुझे केवल उसके क्या लेना है? पॉइंट्स लेना है. पानी वानी पी लीजिए, छोटा सा एक ब्रेक है. यस, दोज़ हू आर ऑनलाइन, इफ दे हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज आस्क. अभी हाफ एन आवर का एक सेशन और चलेगा. किसी का हाथ पांव में दर्द हो रहा है तो खड़े होकर स्ट्रेच कर सकता है. ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर स्लीपिंग ऑन देयर बेड ओनली मोस्ट ऑफ देम. हो सकता है गार्डन में बैठे हो, छत पे लेटे हो, है ना? क्या भाई सपने तक ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड होती थी? घूमते फिरते या अटेंड ही नहीं करती थी? ऑनलाइन चालू हो गई, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं कोई काम नहीं कर रही. I know the nature. Right? इसीलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर केंद्र ऑनलाइन. जब भी
मैंने टेस्टिंग का वीडियो दिया था, वो भी सेना बच्चों ने देख के कमेंट मार दिया उसके। मैं कहा क्या करूं, नोटिफिकेशन आया जेंसर इज ऑनलाइन, मतलब चालू हो जाओ बस, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ मतलब नहीं, ऑनलाइन है। तो एनालाइजिंग से हम कहां पहुंचे, फॉलो अप एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसके आखिरी नेक्स्ट स्टेप को फॉलो अप एक्शन और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब हम इसके बाद आते हैं अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब सोचो इश्यू ऑफ शेयर्स की डेढ़ घंटे की क्लास होगी तो कैसा मजा आएगा, एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, सब ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर की तरफ। हाँ, सेकंड टॉपिक यही है इस चैप्टर में। हाँ, और ऊपर, हाँ ये आ गया, और ऊपर जाओ, हाँ ये आ गया, आ गया बस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या महत्व है। जैसे बुक का हमारे सब्जेक्ट में लर्निंग में हेल्प होती है, पेन इज हेल्पफुल फॉर राइटिंग द, ठीक है, ऑनलाइन में कैमरा हेल्पफुल है, जूम पर तो खाली झूम सकता है आदमी। अच्छा, हमसे भी इतने बोला जूम पर पढ़ाओ सर, बहुत अच्छा है। मैंने कि जूम पढ़ा है, बोले नहीं सर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप बच्चों को देख सकते हो। मैंने, मेरे को देखने ही नहीं है अपने बच्चे, मैं क्या देखूंगा, सवेरे सवेरे उबासी मारेंगे मेरे सामने, मेरा खून खोलेगा है। मैंने देख लिया कॉलेज के जूम वाले, कॉलेज में लड़कों की जूम क्लास होती है, कोई टी शर्ट पहना है, कोई कुछ पहना है, कुछ पहना है, कोई भगवान हरि भजन कर रहा है, चल रहा है, किसी के घर में से आवाजें आ रही है, अभी एक अभी कौन सी मीटिंग हो रही थी किसी की, जूम में मीटिंग चल रही थी और प्रिंसिपल मैडम थी उसमें, किसी की ऑनलाइन, किसी स्कूल की, सॉरी हाँ वो बिजनेस स्टडीज की मीटिंग थी, तो एक प्रिंसिपल भी थी उसमें जूम में, और पीछे से उसके बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, वो किचन में बैठ कर अपनी जूम मीटिंग अटेंड कर रही थी, कुकर की आवाज आ रही है, हस्बैंड की आवाज आ रही है, चिल्ला रहा है होस्ट, मैडम माइक बंद कर दीजिए, कोई नहीं सुन रहा, और ना उधर से माइक बंद हो रहा ना वहां से माइक बंद हो रहा, पूरी जूम मीटिंग में हमने कुकर की आवाज सुनी, और लास्ट में हमने कहा नाउ द मैंने कमेंट में बढ़िया कमेंट आया, चावल पक चुके हैं, अब हम सारे के सारे बच्चे जो है, सारे के सारे टीचर्स, अब अच्छा सा बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट बनाए, चावल की सब्जी बहुत अच्छी होती, तो दैट वाज द कमेंट, और बड़ा मजा आया उस जूम मीटिंग में। ठीक है, अभी जूम मीटिंग चालू कर दो तो सवेरे उठकर 6 बजे नहाना पड़ता है ना, नहाओ धो तैयार हो तब तक जूम मीटिंग है, नहीं तो वीडियो ऑफ कर दो, अगर वीडियो ही नहीं दिखाना है तो फिर जूम का फायदा क्या। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंस नोन एज कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है आपका, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी कंट्रोलिंग से। अगर हम ज्यादा आगे चले गए तो वहां रुक जाओ, वापस नहीं आ सकते आप बिजनेस में। ज्यादा आगे चले गए स्पीड कम कर लो ताकि हम अपनी स्पीड के बराबर आ जाएं, और अगर हम पीछे हैं तो क्या करें, स्टैंडर्ड तक आने के लिए दौड़ लगाएंगे। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, बट फॉर व्हाट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये तो मैंने पहले ही दिन समझाया था, am I right or wrong? तो मैंने क्या बोला, आप लोगों को लग रहा है कि सर तो लंबा खींच रहा है, मैं खींच नहीं रहा हूं, मैं तो खाली पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूं। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग फंक्शन आप अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेगी कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कहां खड़े हुए हैं और हमें कहां पहुंचना है, फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। ये सेंटेंस कहां पढ़ा था हमने, प्लानिंग में। प्लानिंग क्या है, हम कहां हैं
और हमें कहां पहुंचना है। तो कंट्रोलिंग हमें ये बताएगी कि यहां आप हैं, अब आपको कहां पहुंचना है। इट कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट्स ऑन राइट ट्रैक। अगर ट्रैक अगर बदल गया तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन टकरा जाएगी, लोग मर जाएंगे। हम एक्सीडेंट नहीं करना, राइट ट्रैक पर रहना है। जब बोला जाए रेड मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब चलो, येलो मतलब सावधान, हो सकता है हमको चलना पड़े, हो सकता है हमको रुकना पड़े, दोनों कंडीशन। सो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कहां पहुंच गए, मैनेजमेंट के कंसेप्ट पर। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे चाहिए हमको, इफेक्टिवली एंड, हाँ जी, घूम फिर कर पहला चैप्टर वही की वही। नंबर टू, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग व्हाट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, अभी सारे के सारे मजदूर जो है अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, सारे के सारे वर्कर अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड है 100% वर्कर जो है स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड जो है गलत डिसाइडेड हुआ है। इजीली अचीवेबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इजीली अचीवेबल और चैलेंजिंग, एग्जैक्टली चैलेंजिंग होना चाहिए। देखो आप लोगों को समझ है, मैंने नहीं बोला, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। ओके, हर वर्कर आसानी से स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यू हैव सेट द स्टैंडर्ड एट ए लोअर लेवल, इट इज नॉट चैलेंजिंग। आपको अपना स्टैंडर्ड क्या करना है, बढ़ाना है। कोई भी वर्कर स्टैंडर्ड अचीव ही नहीं कर पा रहा, तो यहां पर स्टैंडर्ड क्या है, चैलेंजिंग और अनअचीवेबल, अनअचीवेबल हो गया। हमने पढ़ा था ना, कहां पढ़ा था, प्लानिंग में पढ़ा था, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, नॉर्मली होना क्या चाहिए, हमने स्टैट्स में पॉइंट पढ़ा था मोड, मोड मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी स्टैंडर्ड अचीव कर पा रहे हैं, बहुत सालों का मेजोरिटी के इस साइड वाले स्टैंडर्ड से ज्यादा है और उस साइड वाले स्टैंडर्ड के नीचे है, मतलब स्टैंडर्ड्स क्या है, गुड है, बस यही जज करना है और कुछ नहीं करना है। 100 एम्प्लॉई में से 50 जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर रहे हैं 6 की 6 यूनिट पर डे, 25 जो है वो 7 कर रहे हैं, और बचे हुए जो 25 है वो 5 और 4 ही कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड जो है, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एबल टू अचीव द स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो हायर अचीवर है उनको डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम के हिसाब से ज्यादा बेचो तो, और जो अंडर अचीवर है उनको पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, जरूरत पड़े ट्रेनिंग दो, रॉ मटेरियल दो, समय दो, सब कुछ दो, और अगर वो प्रॉब्लम उनकी पर्सनल है, उनका निकम्मापन है, तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ही उनकी वेजेस को डाउन करो। अब चूंकि चैप्टर का लास्ट पॉइंट है तो मुझे फर्स्ट चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक समअप करना है, कैसे कौन सा चैप्टर कहां किस सोच के अंदर लगा हुआ है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या इसके बाद, मेकिंग वॉट एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मैंने अपने एक फ्रेंड का फोन आया मेरे पास कोरोना में, सर आप लोग क्लासेस कैसे ले रहे हो, मैंने कहा हम तो यूट्यूब पर डांस कर रहे हैं। बोले मतलब हम तो यूट्यूब पर, अरे यूट्यूब क्यों कर रही हो, मैंने कहा पैसा नहीं है हमारे पास। बोले मतलब, बोले इतनी बड़ी कंपनी है पैसा नहीं देती, मैंने कहा कंपनी तो दे देती है 6 महीने के लिए, हम क्यों नया नया रायता फैलाए।
बोले नहीं हमारे स्कूल ने तो बहुत खर्चा किया, 5 लाख रुपया खर्च कर दिया, मैं तनख्वाह कितनी मिल रही है, सब सैलरी तो आधी कर दी, मैं तेरे पैसे से आया है वो। मैंने क्या किया? बोले बड़ी बड़ी टीवियां लगवा दी हैं, ऑनलाइन कनेक्शन करा दिए हैं, हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। मैंने पढ़ाना, बोले बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब में भी वही कर रही है। बात घूम फिर कर कहां आई? परफॉर्मेंस। बोले तुमने हार्डवेयर लगा दिया, परफॉर्मेंस क्या है? से परफॉर्मेंस का तो पता नहीं। तो मैंने कि हमको भी यूट्यूब पर पता नहीं। बोले तुमने बहुत बढ़िया काम कर लिया, सॉफ्टवेयर लगा दिए, सब कुछ कर लिया, फिर क्या है? सर बच्चे ऑनलाइन ही नहीं होते, तो फायदा क्या हुआ? आपने उस रिसोर्स का क्या किया, यूज और मिसयूज? हमने क्या किया, सिर्फ ये कैमरा खरीदा गया पूरे कोरोना काल में मात्र, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, वो भी मेरी जिंदगी वजह से। सिर्फ ये कैमरा खरीद कर लाए हम, और एक दो कैमरा 1000-2000 रुपए के। और टोटल हमारा एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन क्लासेस इज दिस कैमरा ओनली। मेजर सबसे महंगी चीज ये आई है 4700 रुपए की, बहुत महंगी है। दैट इज नोन एज व्हाट? एफिशिएंट यूज ऑफ। मान लो मैं यहाँ बड़ा वाला स्क्रीन लगवा देता, माइक्रोसॉफ्ट टीम लीज वगैरह वगैरह, करना तो मैं वही था जो तुम अभी कर रहे हो। मेरे पास तो स्क्रीन है, इसके पास तो वोडाफोन है, यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, वहां घूम रहा है गोल गोल। सर आपकी शक्ल ब्लर हो रही है, मतलब जैसी है वैसी आएगी, ब्लर है तो ब्लर आएगी, अच्छी है तो अच्छी आएगी, है कि नहीं वंशिता? मेरा कनेक्शन आ रहा है, गांव में नहीं आ रहा, बात खत्म। सर हमारा तो नेटवर्क बहुत अच्छा, मैं कह रहा मेरा तो कट गया, क्या कर लेगी स्क्रीन? कुछ नहीं कर पाएगी। उससे इफेक्टिव तो क्या है, वो टेलीग्राम वाला वीडियो, ग्रीन बोर्ड वाला, वो ज्यादा अच्छा है। 20 मिनट का एक वीडियो बनाया, क्वेश्चन सॉल्व करा, अपलोड कर दिया, वो उस 1.5 लाख की टीवी और सिस्टम से ज्यादा अच्छा है। कम से कम क्या है, खर्चे ही तो नहीं होगा, हम कुछ सीख लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने क्या किया, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जैसे ये स्टैंड है, पुराना स्टैंड है, यूज कर लिया, ये अपने पास पहले से ही है, ये टेबल पहले से है, ये स्टूल पुराने है, कोई भी चीज आपको इस क्लास में जब आप आए होंगे पहली बार, कुछ बदलाव बदलाव लग रहा है, ये टेबल निकाल के यहाँ घिसका दी, चीजें हटा दी, बोर्ड को नीचे लगावा लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, बस हो गया। दैट इज व्हाट एफिशिएंट यूज ऑफ व्हाट रिसोर्सेस। 5 या 6 साल पहले खरीदे हुए कैमरे, 5 कैमरे खरीदे थे 5-6 साल पहले, मतलब मेरे स्कूल आने इस ज्वाइन करते थे पहले के, सब कोरोना में यूज हो गए। हमने स्टैंड तक नहीं खरीदे अभी तक, सब स्कूल वाले ये नया कुछ नहीं खरीदा, क्यों? आई नो, वी ऑल नो, ज्यादा ज्यादा 1 साल, 1 साल के बाद अगर मान लो मैं ऐसे 10 कैमरे मंगा लूं, क्या होगा उन 10 कैमरों का? है क्या होगा, क्या इनपुट एंड आउटपुट निकलेगा? पढ़ना बच्चों को उतना ही है जितना पहले पढ़ते हैं। हाँ, अब हमको, हमसे कोई पूछे आपने क्या किया, हम बता नहीं पाएंगे हमने क्या किया, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, देखा हमने ये कर दिया, बस इससे ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बची खुची प्रॉब्लम जो थी हमारी रवि सर ने दूर कर दी, रवि सर हमको ट्रेन करते गए, हम सीखते गए, कोई भी प्रॉब्लम होगी सर प्लीज हेल्प करिए, सर ने हमको सिखाया, मुझे कहाँ कुछ आता है, मैं तो बस सीखता हूँ, कभी रवि से पूछ लिया, कभी रजत से पूछ लिया, कभी किसी और से पूछ लिया, भाई तुम बता दो, तुम ही बता दो, हमको नहीं आता तो जो मुझे आता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इसी को बोलते हैं, यही कंसेप्ट हम बिजनेस में लगाएंगे। जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल है उससे हम बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट लें, तब जाकर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, इस पॉइंट में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज और स्पॉइलेज को क्या करो, खत्म कर दो, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, FAR, आपने यहां होता है ना वो जियो साइकिल वाला, दुनिया भर का कचरा जला के अपन क्या कर सकते हैं, फर्नेस चलाते हैं, ईंधन के लिए यूज किया जाता है ना उसका, अपने है? क्या करते हैं उसको बताओ,
कोयले की जगह पर उसको यूज कर लेते हैं, तो अपना क्या हो जाता है, वेस्टेज किसमें हो जाती है, कन्वर्ट फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। बाहर से भी गाड़ियां आती है वेस्टेज को लेकर, आती है कि नहीं, उनको यहाँ पे अपन यूज करते हैं, जला देते हैं। इसके अलावा जो फ्लाई ऐश होती है वो क्या होती है, थर्मल पावर प्लांट की क्या होती है, वो वेस्ट होता है ना, जहाँ कोयला जलाते हैं, जैसे अपने ये जो थर्मल पावर स्टेशन है बिजली बनाने के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो वहां से जो राख निकलती है कोयले की, उस राख का सीमेंट में यूज होता है, हाँ या नहीं। तो वेस्ट मटेरियल का हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। ऐसी चीजें ढूंढते रहो, बिजनेस में इन चीजों का कमाल करते रहो, बनाते रहो, बिजनेस को फ्लरिश करते रहो, यही इसका पॉइंट है। दिस एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर्स में यूज करें। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर और क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ध्यान रखें ऑर्डर और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण, अन्ना हजारे का आंदोलन में ऑर्डर था, डिसिप्लिन था, फिर भी केजरीवाल जैसा आदमी पैदा हुआ। राकेश टिकैत के आंदोलन में ना ऑर्डर था ना डिसिप्लिन था, लाल किले पर जो घटना हुई वो हमारे देश के हिंदुस्तानियों पर, हमारे देश के लोगों के मुंह पर कालिक की तरह, मैं वो घटना अपनी आंखों से लाइव देख रहा था, आप लोगों ने भी लाइव देखी होगी। एंड on that day I felt that I have been murdered, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मर्डर किया गया है, मेरी आत्मा का मर्डर किया गया। And I was not at all slept on that day। अगले दिन आप लोगों की क्लास लेनी थी ना, तो फर्स्ट डे में बहुत फंबल कर रहा था मैं, आई वॉज नॉट एट ऑल। वो एक्चुअली 26 जनवरी का हैंगओवर था जो 27 जनवरी को दिमाग से निकलता। आप 27 तारीख को जब मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने कहा नहीं ये गलत है कि 26 तारीख को ये घटना क्लास में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मेरा ध्यान वहीं की वहीं था कि किस तरीके से एक बेवकूफ लोग की वजह से हमने कितना बेशर्मी वाला काम हमने देखा, और 130 करोड़ की आबादी में से मात्र कुछ हजार लोगों ने हमारे देश को खराब कर दिया। यू नो व्हाई, बिकॉज देयर वाज नो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है ऐसे ही। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जापानी कंपनी हीरो होंडा का एग्जांपल है, उसने क्या किया था, एम्प्लॉयज में ऑर्डर और इनडिसिप्लिन हो गया, क्यों, नेतागिरी की वजह से। तो 4 मैनेजर्स को जला दिया था ये दिल्ली के गुड़गांव के प्लांट में, और 100 घायल हुए थे मैनेजमेंट के लोग, और 200 मजदूर घायल हुए क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यू नो वॉट मैनेजमेंट हैज डन, जो नेता था ना उनका लोकल गांव का, मैनेजमेंट ने उस नेता को 40 लाख रुपए देकर खरीद लिया और उससे साइन करवा लिए, आने वाले 3 सालों तक तुम में से कोई भी यूनियन हड़ताल नहीं करेगी और सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। वो नेता 40 लाख रुपए लेकर भाग गया और जो वर्कर्स की यूनियन थी वो रजिस्टर्ड हो गई, अब लेबर कोर्ट में वो जा नहीं सकते, वर्कर की बैंड बजा के चले गए उनके नेता। ये राकेश टिकैत भी यही करेगा, इतिहास है 1960 से लेकर 2021 तक का पूरा इतिहास पढ़ा देना 4 दिन में, ये नेता जिस दिन पलटी मार गया ना, को पलटी बीजेपी में बहुत तेजी से पलटी मारती है, बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पलटी मार गया, तो राकेश टिकैत की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं मैं पॉलिटिक्स क्या होती है, अगर वो पलटी मार गया तो बाकी सबका क्या होगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ना होने की वजह से बिजनेस के अंदर लड़ाइयां हुई हैं, दंगे हुए हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, होना चाहिए। ये कंट्रोलिंग उसी का उदाहरण है। इसमें लिखा है क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के डिसऑनेस्ट बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, किसके पार्ट पर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कर सकते हैं, क्लासेस में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जब से कैमरे लगे हैं तुम लोगों ने हंगामे किए उल्टे सीधे, क्यों, क्योंकि आप लोग प्रिंसिपल रूम में जाके देख चुके हो, कैमरा लाइव है, हमारी क्लास दिखाई देती है, साउंड भी सर जब मर्जी चालू कर सकते हैं,
जब से कैमरा लगा है स्टाफ रूम में कोई टीचर किसी दूसरे के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता, रिस्पेक्ट। वरना टीचर्स में भी होते हैं, आपको सब पता है, मुझे बताने की होते हैं ना, क्या चलता है क्या नहीं, सब मालूम है आप लोगों को। आप लोग इस पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व नहीं रहता। धीरे धीरे क्या होता है, माहौल बन जाता है, ऑर्डर और क्या आता है, डिसिप्लिन आता है, और उसकी वजह से लोग प्रॉपर काम करते हैं। इंसान का एक मन होता है ना, उसके अंदर एक चोर होता है, हर इंसान में होता है, मेरे अंदर भी है। मेरा ये चोर है जो संडे को जागता है, छोड़ो यार कौन उठे सुबह 6 बजे, आराम से उठेंगे, जब बेल बजेगी दूध वाले की, यार तू फिर जल्दी आ गया संडे वाले दिन, जैसे कितनी बार बोला सुबह 7 बजे नहीं आने का संडे को, सोने दे। तो कब जागता है चोर हमारा, संडे वाले दिन जागता है ना। और अभी कितने बजे उठ रही है उधर अनुष्का? हाँ भाई, बस उठते सीधे कपड़ा पहन के स्कूल, नहाना धोना यहां से जाने के बाद 7:30 से नहा धोकर नाश्ता करके आ जाता है। क्या बोल रहे हैं तुम्हें, कंप्यूटर से करते होगे तुम लोग, भाई हम तो हाथ से करते हैं सारे कार्य। 8:30 6 बजे उठ जाता है, 6:30 पे भी बहुत बढ़िया आदमी है। मैं तो सोचता था 8:00 बंदा उठता होगा। नहीं, हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, कल रात को ड्रेस पहन के सोते हैं, सवेरे उठ के मुंह पोछा चल दिया है। मेरे मामा का लड़का था, उसकी कोचिंग होती थी इंजीनियरिंग की, सुबह 5 बजे चालू होती थी। मैं कहता भाई तू 5 बजे उठ कैसे जाता, तू दुनिया का बहुत महान आलसी है। वो कहता था मैं रात को ही ना ब्रश व्रश करके सोता हूँ, सवेरे सीधे कोचिंग में जाना होता है। उनके टीचर भी चिल्लाते ना कि आया करो, सुबह सुबह तुम लोग माहौल खराब कर रहे हो। उसका ना इंजीनियरिंग होने के बाद जॉब करने के बाद जॉब छूट गया था, तो जॉब छूट गया तो उसको ब्रेक था, सर्दियां पड़ी ग्वालियर की सर्दी, तो मैं 10-12 दिन के ब्रेक के बाद बहुत भयंकर से मैं गया घर मामा के घर, तो मेरी कजन बोलती है इसके पास मत बैठना। मैंने क्यों, 15 दिन से नहाया नहीं है। मैंने तो क्या करा, तो तू मेरे से बड़ा था, वो हम सबसे ही बड़ा था, वो मतलब सेकंड नंबर में, तुमको मेरे नहाने से क्या प्रॉब्लम है, मैं नहाऊं या नहीं नहाऊं, परफ्यूम तो रोज लगाता हूं ना। सो दैट हैपेंस, दे कैन अफोर्ड। अब वही बंदा आज HSCL में प्रोजेक्ट हेड है, भगवान की कृपा से बढ़िया तनख्वाह है, 6 महीने का असाइनमेंट अमेरिका में करता। अब मैं उससे पूछता हूँ तू ऑफिस जाता है ना कर जाता है, बोले नहीं ऑफिस में ही वॉशरूम है, वहां भी नहा लेता हूँ कभी। मैं ये नहीं कह रहा नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये चलना चाहिए। Am I right, वंशिता? वंशिता कहेगी नहीं सर क्या सिखा रहे हो, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन किस चीज का होता है, डिसिप्लिन इज टू फॉलो द रूल्स। नेक्स्ट, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंप्रूव होना चाहिए, एम्प्लॉयज के अंदर काम करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। उनको घर में बैठने से अच्छा है उनको क्या लगे कि यार खुल गए, जैसे जब स्कूल नहीं खुले थे 15-20 दिन में मेरे और रोहित सर के पेट में बहुत दर्द हुआ। रोहित सर रोज बोलते थे सुबह उठकर जैसे स्कूल खुलवाओ, करो कुछ काम करने चलते हैं यहाँ से। तो हमने कहा स्कूल कैसे खुलेगा, अभी डांट पड़ जाएगी, एक काम करते पीछे वाला गेट खोल के चलते हैं। भाई करोगे क्या, कुछ नहीं इंटरनेट ही देख लेंगे, घर में कब तक बैठेंगे। अल्टीमेटली धीरे धीरे बातचीत हुई और फिर वो आनी शुरू हुई। हम पीछे वाले गेट से आते थे एक एक दो दो तीन तीन करके, और कोई पूछा ये तो कह देंगे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा इसलिए पढ़ा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ देम ही स्टार्टेड मैथ्स अकाउंट बिजनेस। स्वरूप सर ने तो कब चालू किया था, बहुत बाद में किया था ना, हम लोग तो पहले ही बहुत चालू शुरू हो गए थे। क्यों कर रहे थे, हमको घर में नहीं बैठा जा रहा था। हम 2 घंटे स्कूल आ जाते थे, आत्मा को ऐसी शांति मिलती थी जैसे जंग जीत ली हो। जैसे आप लोग तड़प रहे थे ना घर में स्कूल आने के लिए, हम लोग भी वेरी हार्ड था, सेम टू सेम कंडीशन। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होंगे फिर स्कूल खुल गया, अब पढ़ना पड़ेगा, रोज ड्रेस पहननी पड़ेगी, कौन उठे सुबह। सम ऑफ देम विल बी देयर, क्यों है उन लोगों का साथ ऐसा बिहेवियर,
दैट इज व्हाट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. मैं प्लांट के लोगों से बात करता हूँ, टीचर्स है हमको तो छुट्टियां मिलती रहती है, हमारा आना जाना लगा रहता है. प्लांट वालों से बात करते थे, सर कैसा लग रहा है घर में बैठकर? बोले ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की पिटाई कर दूं. अलग अलग एक्सपीरियंस. बोले जिस दिन ऑर्डर आया प्लांट जाना है, ऐसे नहा धो के तैयार होकर पहुंचे, बिल्कुल जैसे हाँ शांति मिल गई और लौट कर आए भैया मजा आ गया. क्यों ऐसा क्यों हुआ बेटा? जिन लोगों को अपने वर्क प्लेस पर जाकर खुशी मिली, जिन बच्चों को स्कूल आकर शांति मिली, दे आर हाईली मोटिवेटेड. दे आर व्हाट? हाईली मोटिवेटेड. मैंने उन लोगों को देखा है जो वो टीचर्स जो पहले दिन स्कूल आए, किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर शमशान की शांति थी, कोई दुखी था यार बुला लिया, अब क्यों बुलाया, क्या करेंगे यहाँ पर, बच्चे तो आए थे. दैट इज व्हाट मोटिवेशन. अब अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिवेशन होते हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस जहां पर वर्कर मैनेजर्स ऑफिस आए, अपनी वर्क प्लेस पर आए और वहां आने पर आते समय उनके चेहरे पर खुशी हो और वर्क करने के बाद उनके चेहरे पर खुशी हो, सो दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ अ प्रॉपर मोटिवेशन. बस इतना समझ में आ गया तो बाकी की कहानी तो आप पढ़ ही लोगे, मैं और क्या बताऊंगा. द नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कंट्रोलिंग क्या करती है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है. कैसे? जो डेविएशंस होंगे उन डेविएशंस को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स को बोला जाएगा, मैनेजर्स उन डेविएशंस को कंट्रोल करने के लिए पूरी टीम को बोलेंगे और वहां से कोऑर्डिनेशन शुरू होगा. अगर वो कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, एचआर से रिलेटेड है या सभी से रिलेटेड है, तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी और वह कहां से शुरू होगी? कंट्रोलिंग से शुरू होगी. तो इसके अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है, कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज. मैंने पांचों एक्टिविटीज के नाम ले लिए. एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉई इज गवर्नड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड. हर व्यक्ति प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से गवर्न कर रहा है और इनको वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए एक दूसरे के साथ. दिस एंश्योर्स दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड. और इससे क्या इंश्योर होगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए. कैसे? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स हमको मालूम है. अगर हम अपने स्टैंडर्ड से डेविएट करेंगे तो हमें क्या करना है? बैक टू स्टैंडर्ड्स. बैक टू व्हाट? नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल. बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नोन एज. और जब जब हम कोई करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, हम अकेले नहीं ले सकते करेक्टिव मेजर्स, हमें सबके साथ मिलकर मेजर्स लेने चाहिए. बेल के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ. अब हमारा इसके अंदर केवल एक ही टॉपिक बचा है, वो है नेचर ऑफ लेग फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. बस बाकी है ही नहीं है सिलेबस में. मैं नई वाली एनसीईआरटी किसके हाथ में है? न्यू वन किसके हाथ में है? इधर नहीं है ना. तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आपको मैंने मीनिंग पढ़ाया कंट्रोलिंग का, इंपॉर्टेंस पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई. ओके, इसके बाद आपको कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ा दी. ठीक है, इसके बाद टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग कंट्रोल हमारे सिलेबस में पहले से ही थे. इसमें केवल आपको बजट पढ़ना है, केवल बजट ही पढ़नी है, बाकी पीछे कुछ नहीं पढ़ना है. पर सीपीएम मैनेजमेंट और ये हमारे लिए नहीं है. ठीक है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग वो भी नहीं है. पढ़ा हुआ ना आपने? हाँ, सिर्फ एक पॉइंट बचता है, रिलेशन ऑफ कंट्रोलिंग और बजटिंग. आधा घंटे का पॉइंट है, किसी भी दिन या कल अपन कर. तो कुल मिलाकर जो मेजर सिलेबस था हमारा कंट्रोलिंग का खत्म हो गया. लिमिटेशंस तो आप वैसे भी समझ सकते हैं. इसके बाद अब हम जो पॉइंट लेने जा रहे हैं वो है कल क्या करना है. तो कल डिबेंचर्स का लास्ट डे करें. डिबेंचर्स सॉल्व हो गया होगा काफी क्वेश्चंस. तो कल हम डिबेंचर्स के डाउट्स, अगर आपके डाउट नहीं होंगे तो मैं पॉइंट कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उससे हम कल डिबेंचर खत्म कर लेंगे. और टाइम बच गया तो ये कंट्रोलिंग के ये दो छोटे छोटे पॉइंट है, बजटिंग और
वैसे भी बजट में बहुत पढ़ा चुका हूं, अगर आप पढ़ेंगे तो बजटिंग आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी और लिमिटेशंस। तो कुल मिलाकर हमारा बीएस का सिलेबस और उसका सिलेबस भी लगभग कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम धीरे धीरे चलाएंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी इशू ऑफ डिबेंचर्स का डाउट्स या फिर फाइनल क्वेश्चंस, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने का जो डाउट्स है कि वो लेकर आइए, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स लाते हैं या जो भी ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं वो अगर अपने डाउट्स पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इज दिस ओके? बीएस का पेपर 100 मार्क का नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा और मैं शायद चैप्टर भी चार ही दूं। कंज्यूमर एजुकेशन, बिजनेस एनवायरमेंट और प्लानिंग मैं सोच रहा हूँ तीन ही दूं। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ चलेगा, तीन चैप्टर चलेंगे? अनुष्का 100 चाहिए, तीन चैप्टर के हिसाब से चाहिए? मैं तीन चैप्टर बोर्ड के हिसाब से पेपर बनाऊंगा, सिर्फ बोर्ड का पेपर, तीन चैप्टर बोर्ड का पेपर। बोर्ड के अंदर जो बनेगा पेपर 50% आकर रहेगा उसमें से। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो टॉपिक तो रिपीट होगा, 50% टॉपिक रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ और हो सकता है। हमारा टॉपिक भी अगर रिपीट हो गया वो भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर यही हम खत्म करते हैं। ऑनलाइन में किसी का कुछ पूछना है? नहीं तो कल मिलेंगे फिर। एनीवन वांट्स टू आस्क फ्रॉम ऑनलाइन?